एससी वर्मा सॉल्यूशन चैप्टर 24 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्वेश्चन नंबर 42 फिगर शोज अ लार्ज क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक कंटेनिंग वाटर इनिशियली द एयर ट्रैप अबव द वाटर सरफेस हैज हाइट एच नॉट एंड प्रेशर 2 पी नॉट वेयर पी नॉट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर इज अ होल इन द वॉल ऑफ द टैंक एट अ डेप्थ एच वन बिलो द टॉप फ्रॉम विच वाटर कम आउट अ लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब इज कनेक्टेड एज शोन इन फिगर फर्स्ट फाइंड द हाइट एच टू ऑफ द वाटर इन द लॉन्ग ट्यूब अबव द टॉप Initially, second, find the speed with which water come out of the hole. Third, find the height of the water in the long tube above the top when the water stop coming out of the hole. Okay, तो ये अपने पास टैंक है पानी का टैंक और यहाँ पे होल करेगा कहाँ से टॉप से एच वन डिस्टेंस के ऊपर और यहाँ पे एच नॉट डिस्टेंस के अंदर यहाँ पे क्या है यहाँ पे एयर ट्रैप्ड है जिसका प्रेशर टू पी नॉट है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है पी नॉट है ओके और यहाँ पे एक पाइप लगा रखा है ठीक है ये ऊपर ओपन ऊपर से ओपन है तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा एटमॉस्फेयर का पी नॉट होगा और यहाँ से ऊपर से हाइट कितना है एच टू है तो फर्स्ट कंडीशन में अपने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एच टू की वैल्यू क्या है सेकंड में पूछा है कि ये पानी किस स्पीड से निकल रहा है और थर्ड में पूछा है कि जब पानी निकलना बंद हो जाएगा तब यहाँ से ये जो इसके ट्यूब के अंदर पानी भरा हुआ है उसका हाइट क्या होगा ये पूछा है ओके तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं फर्स्ट में क्या बोला है कि ये एच टू की वैल्यू क्या है अब हमें पता है कि फ्लूइड के सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है राइट तो यहाँ पे जो आपका पानी निकल रहा है होल है वहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये पॉइंट में बात करूँ और इस पॉइंट की बात करूँ तो इन दोनों पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या होगा सेम होगा जैसे मान लो ये पॉइंट मेरा ए है ये पॉइंट बी है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्योंकि इनका लेवल सेम है इसलिए मैं बोल सकता हूँ प्रेशर रेट ए इज इक्वल टू प्रेशर रेट बी राइट अब प्रेशर रेट ए की बात करें तो प्रेशर ए किसकी वजह से होगा एक तो एटमॉस्फेयर ऊपर से धक्का मार रहा है पी नॉट और दूसरा ये वाटर कॉलम का प्रेशर होगा ना तो वाटर कॉलम का हाइट क्या है हाइट क्या एच टू है और फिर कितना है एच वन है तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एच वन प्लस एच टू इंटू रो जी ये वाटर कॉलम का प्रेशर अब प्रेशर रेट बी देखो प्रेशर रेट बी क्या होगा तो एक तो ये हवा है वो प्रेशर लगा रहा है कितना टू पी नॉट और दूसरा ये वाटर कॉलम का हाइट कितना ये है h1 वन माइनस एच नॉट तो यहाँ पे 2p पी नॉट प्लस एच वन माइनस एच नॉट रो जी ये वाटर कॉलम का प्रेशर अब देखो यहाँ पे मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड नहीं किया क्योंकि ये ऊपर से टैंक बंद है राइट तो ये अपने पास आ गया आंसर ओके अब देखो p नॉट को इधर लो तो ये कितना आ जाएगा p नॉट आ जाएगा 2p पी नॉट माइनस वन पी नॉट तो p नॉट और इसको मल्टीप्लाई करो तो एच वन रो जी प्लस एच टू रो जी इज इक्वल टू p नॉट एच वन रो जी माइनस एच नॉट रो जी सही है तो एच वन रो जी कैंसल आउट तो ये अपने पास क्या आ गया एच टू रो जी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस एच नॉट रो जी ओके रो जी को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा पी नॉट बाई रो इंटू जी माइनस एच नॉट राइट तो ये अपने पास आ जाएगा हाइट फ्रॉम टॉप यहाँ से एच टू की वैल्यू कितनी आ गई पी नॉट बाई रो जी माइनस एच नॉट ओके सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला स्पीड ऑफ फ्लूइड यहाँ से जो पानी निकल रहा है उसकी स्पीड क्या होगी देखो यहाँ पे बर्नौली से अप्लाई करना पड़ेगा जैसे ये पॉइंट मैंने बी लिया तो इस पॉइंट को मैं सी ले लेता हूँ तो देखो यहाँ से ऊपर से पानी नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है राइट तो देखो यहाँ पे जो बाहर आ रहा है पानी तो बाहर जैसे आ रहा है तो प्रेशर कितना है बाहर पी नॉट है राइट इस लेवल को मैं रेफरेंस लेवल ले लेता हूँ इसको मैं रेफरेंस ले लेता हूँ बी को ठीक है तो अपन बर्नौलीज अप्लाई करते हैं यहाँ से पानी नीचे आ रहा है और यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है तो सी और पी सी और ये डी ले लेते हैं बाहर का पॉइंट डी है तो सी और डी पे मैं बर्नौलीज अप्लाई करता हूँ तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या होगी बर्नौलीज इक्वेशन है पी प्लस एच रो जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो ये मैं बोलूँ सी के लिए ठीक है तो ये अपन सी के लिए ये वेलोसिटी भी सी के लिए वैसे ही डी के लिए आएगा पी प्रेशर एट डी एच डी रो जी प्लस हाफ रो रो तो सेम ही रहेगा दोनों पानी है वी डी स्क्वायर राइट ओके अब यहाँ पे देखो कि प्रेशर एट सी कितना है सी के ऊपर प्रेशर टू पी नॉट है ओके बेस से जो अपन ने रेफरेंस लिया है उससे हाइट कितना है एच वन माइनस एच नॉट है राइट ओके रो डेंसिटी ऑफ पानी इंटू जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर अब ये टैंक से पानी जो नीचे आ रहा है होल से पानी बाहर निकल रहा है तो टैंक से जो स्पीड से नीचे आ रहा है वो बहुत नेग्लिजिबल है बहुत कम स्पीड से पानी नीचे आ रहा है तो ये स्पीड बहुत छोटी है और उसका स्क्वायर और छोटा होगा तो इसको अपन नेग्लेक्ट कर लेते हैं ओके फिर प्रेशर जब पानी बाहर आ रहा है तो प्रेशर कितना होगा एटमोसफेयर का ओके और लेवल क्या इस लेवल से कितने हाइट पर ये तो इसी लेवल के ऊपर है ना तो एच आपका क्या है जीरो है और हाफ डेंसिटी ऑफ पानी
और वेलोसिटी अपने को फाइंड करना है। ओके तो यहाँ पे इस पी नोट को इधर ले लेते हैं, तो टू पी नोट माइनस पी नोट कितना हो गया पी नोट, और इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं है, तो एच वन माइनस एच नोट रो जी इज इक्वल टू क्या आ गया हाफ रो वी स्क्वायर। तो अपन वी स्क्वायर फाइंड करना है तो हाफ मल्टीप्लाई करते हैं, रो को डिवाइड कर देते हैं, तो वी स्क्वायर क्या आ जाएगा टू बाई रो, सही लिख रहे अपन टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू बाई रो। ओके और मल्टीप्लाई में पी नोट माइनस सॉरी प्लस एच वन माइनस एच नोट रो जी, ब्रैकेट अपन बड़ा वाला यूज़ कर लेते हैं, ये अपने पास वेलोसिटी आया, तो वेलोसिटी स्क्वायर आया तो रूट आ जाएगा ये रूट टू बाई रो पी नोट प्लस एच वन माइनस एच नोट इंटू रो जी, ये आपके पास आ जाएगा स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ये किस स्पीड से पानी बाहर निकल रहा है। ओके थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है अपने को, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है जब पानी बाहर निकलना बंद हो जाए तब आपका इस ट्यूब के अंदर हाइट क्या होगी, इस ट्यूब के अंदर हाइट क्या होगी। देखो पानी बाहर निकलना कब बंद होगा, जब यहाँ से पानी ख़त्म हो जाएगा, जब पानी ख़त्म हो जाएगा, जब यहाँ से पानी ख़त्म हो जाएगा तब एयर आ जाएगी और एयर भी बाहर निकलेगी, यानी प्रेशर बाहर का और ऊपर का प्रेशर सेम हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एटमॉस्फेयर से कनेक्ट हो जाएंगे। ये टू पी नोट है वो नीचे आएगा और एयर से कनेक्ट हो जाएगा, पानी सब चला जाएगा तो एयर से कनेक्ट हो जाएगा, यानी इसके अंदर प्रेशर क्या होगा बी पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर उतना ही होगा जितना एटमॉस्फेयर का है, राइट। तो इसका मतलब ए पॉइंट के ऊपर भी प्रेशर कितना होगा, उतना ही होगा जितना एटमॉस्फेयर का है। अब इसका मतलब ये है कि आप ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या लिखते हो, एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस हाइट का प्रेशर वाटर कॉलम का। अब यहाँ पे सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर यानी वाटर कॉलम का प्रेशर क्या होगा जीरो, यानी वाटर कॉलम का हाइट क्या होगा जीरो, यानी ये आपका लेवल क्या आ जाएगा ये ए लेवल आ जाएगा, यानी आपका पानी यहाँ तक आ जाएगा। अब ऊपर से कितना हाइट है, ऊपर से नेगेटिव ऑफ एच वन आ जाएगा, ऊपर से क्या आ जाएगा नेगेटिव ऑफ एच वन, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना हाइट क्या आ जाएगा नेगेटिव ऑफ एच वन। वापस समझ लो जब ये पानी बाहर निकल जाएगा तो बी लेवल के ऊपर प्रेशर पी नोट हो जाएगा क्योंकि ये हवा बाहर की हवा से कनेक्ट हो जाएगी, तो अंदर दोनों प्रेशर सेम रहेगा अंदर बाहर, और बी और ए सेम लेवल पे है तो ए के ऊपर प्रेशर भी सेम हो जाएगा, राइट। अब ए के ऊपर प्रेशर पी नोट है, इसका मतलब ऊपर कोई पानी नहीं है सिर्फ हवा का प्रेशर है, यानी पानी इसके नीचे है, राइट। तो ये हाइट ऊपर से कितना है एच वन है, ठीक है, तो अपन ऊपर से हाइट बोलेंगे, ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव तो माइनस एच वन आ जाएगा।